प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दों को देंगे प्राथमिकता। गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषितों की उठाएंगे आवाज। गांव हो या शहर, हर खबर पर होगी हमारी नजर। आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24, हमेशा आपके हित में। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। उदयपुर जिले के झाड़ौल उपखंड मुख्यालय में स्थित पीएम श्री विद्यालय झाड़ौल में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर के दूसरे दिन का कार्यक्रम शुरू हुआ। शिविर की शुरुआत कार्यक्रम की अध्यक्षता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नेहा असौरा, बाल चिकित्सक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झाड़ौल ने की। कार्यक्रम में झाड़ौल के दंत चिकित्सक डॉक्टर श्रुति घई, आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर हुक्मी चंद जैन ने भी अपनी सेवाएं दी। लक्ष्मी चंदांत, नरेश पुरविया, धर्मेंद्र गढ़वाल, शिवशंकर खराड़ी आदि नर्सिंग स्टाफ ने भी सहयोग कर शिविर में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन एवं फार्मासिस्ट आदि सभी चिकित्सा उपकरणों एवं सामग्री के साथ उपस्थित हुए। शिविर में स्थानीय विद्यालय के लगभग 465 बालक बालिकाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई, जिसमें उनकी ब्लड ग्रुपिंग, हीमोग्लोबिन लेवल, बीएमआई इंडेक्स आदि सभी का परीक्षण किया गया। इसके साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को चश्मे, मेडिसिन आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। शिविर में मुख्य आयुर्वेद चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी हुक्मी चंद जैन ने विभिन्न मौसमी बीमारियों की जानकारी, उनके लक्षण, उपचार और उनकी रोकथाम के बारे में विस्तार से वार्ता प्रस्तुत की। साथ ही इसी शिविर में प्रधानाचार्य पारस कोठारी एवं स्टाफ ने सभी एलोपैथ, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों एवं टीम का तिलक एवं उपरना पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर उनके अभिभावक, समाज सेवी, सरपंच, एसबीओ मोरध्वज व्यास एवं समस्त स्टाफ महोदय उपस्थित थे। शिविर के द्वितीय दिवस अवसर पर एसबीओ झाड़ौल द्वारा बालकों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग एवं जागरूक रहते हुए अच्छा अध्ययन करने हेतु शुभकामनाएं प्रेषित की गयी। शिविर समापन 9 फरवरी 2024 को होगा और चिन्हित किए गए बच्चों को इलाज, मेडिसिन, उपकरण आदि वितरित किए जाएंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य संबंधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, परीक्षा और निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गयी।